गुलगुलाई है भाई। थैंक यू आशा। चाय में चीनी मिलाने के लिए चांदी का चम्मच दिया भाई। योर हार्ट इज मोर बिगर देन द हाउस। तो बस से उतर गया हूँ और अभी जा रहा हूँ, मेट्रो पकड़नी है M2 और 8 स्टॉप के बाद में उतरना है। फिर थोड़ी देर पैदल चल के जो मुझे होस्ट कर रहे हैं उनके घर पहुँचना है। बस का सिस्टम बड़ा अच्छा है, बस के अंदर ही टिकट मशीन है, कैश और कार्ड से आप पे कर सकते हैं। और ये टिकट पड़ी मुझे 75 मिनट वाली 2.20 जिलोटी की। और अगर मैं वो कैब से आता तो कहाँ 22-23 जिलोटी और कहाँ 2 में ही काम चल रहा है। और ये 75 मिनट तक काम करती है मेट्रो, और कुछ एक ट्रेन्स भी है और बस है, ट्राम है। और बस का बड़ा अच्छा सिस्टम है, अंदर LED स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है कौन सा स्टेशन आता है आ रहा है, और बाई डिटेल भी लिखा हुआ था कि कौन कौन से स्टेशन चलेगी और कौन कौन से आने वाले। अभी मेट्रो ढूंढनी है किधर है भाई। तो बात ये है कि मेट्रो ने तो दे दिया है धोखा। अभी बजे हैं 10 और इन लोगों ने मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। मैं तो अंदर गया तो सारे बंद पड़े, कोई सफाई करने वाला था उनसे पूछा तो उनकी बात तो समझ में नहीं है, लेकिन इतनी समझ में आ गई कोरोना कोरोना बोला और क्लोज ऐसे इशारे किए, मतलब उसकी वजह से बंद कर दिए। मात्र 10 बजे हैं, सिटी सेंटर में हूँ और सड़कें पूरी खाली है, कुछ इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है। अभी वेट कर रहा हूँ 1 नंबर ट्राम का, अगर वो आ जाए तो फिर वहाँ पहुँच जाऊँगा, वरना मुझे भी फिर टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। मैप में तो शो कर रहा हूँ ऑन टाइम है, आ जाएगी। और ट्रेन वैसे आ भी रही है, गई तो है, 1-1 नंबर आएगी तो पता चलेगा। तो बड़ी तबाही मचा रखी है यहाँ पे इसका मतलब। चलिए देखते हैं ऊपर वाला साथ है क्या होता है। ये तो मेरे इजरायली फ्रेंड ने कहा था कि मरोगे तो नहीं आप अगर हो भी गया तो कोरोना। और वैसे बस में चेक भी हो गया था कि अभी तक तो नहीं हुआ है, अब यहाँ आने के बाद में हो जाए ना हो जाए ऊपर वाले की मर्जी है, वो क्या पता चले उसका। वेट फॉर द ट्रेन। हवा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, टेम्परेचर दिखा रहा है 4 डिग्री, अचानक से इतनी ठंड। और जो जिनके यहाँ मैं रहने वाला उनका 10 नंबर का मकान है, बस आने वाला है, सिटी से थोड़ा दूर है, यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। और ये भी एक अजीब ही चीज़ है, बिल्कुल अनजान लोग और कह रहे हैं कि आओ आप रहो, और मैं भी उनके लिए अनजान, वो भी मेरे लिए अनजान, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है देखते हैं। उनका घर आ गया, ये 10 नंबर है। सो पहुंच चुका हूं मैं जोआना और पावलो के घर पे, और ये होने वाला अपना बिस्तर आज, और यह पूरा रूम मेरा है। और वो बड़ी एंटिक चीज़ है, इन लोगों ने फ्रांस से ली थी, 200 साल पुराना है वो फर्नीचर का आइटम। और बड़े ज़बरदस्त लोग हैं दोनों, और इनके माता पिता भी यहाँ रहते हैं। तो अभी तो बस सोना है, 2 डॉग्स हैं, डॉग्स ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमला करके स्वागत किया, लेकिन काटा नहीं अच्छा रहा, बट मैं यूज टू हूँ डॉग से, तो ये ज़बरदस्त तरीके से अपना बिस्तर होने वाला आज, एटलीस्ट हॉस्टल से तो बेहतर ही है। मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात को बड़े ज़बरदस्त तरीके से सोया, लगभग 10 बज रहे हैं अभी, और ये नए साथी हमारे सुबह सुबह आ गए थे। और ये अपना था आशियाना, अभी बज रहे हैं 10, और पाउलो भाई साहब मेरे लिए बना रहे हैं कुछ ब्रेकफास्ट, और ये है इनका घर। So what are you making for me, man? Sandwiches with the cheese. Okay. Mixed cool. Cheese, okay? I have this one at my home. Yeah. Hospitality तो कमाल की इन लोगों की, चाय में चीनी मिलाने के लिए चांदी का चम्मच दिया भाई साहब, और सैंडविच बनाया इन्होंने, और चाय जो कि पॉलिश यूक्रेनियन लोग पसंद करते हैं। एक्चुअली ये भाई साहब पावलो यूक्रेन से, और उनकी वाइफ है यहाँ से पोलैंड से, और ये यहीं रहते हैं और होस्ट कर रहे हैं मुझे, तो सबसे बेटर है यार, क्या इंसान है, ज़बरदस्त, इतना वेलकम। इवन इन लोगों ने मुझे वाईफाई भी प्रोवाइड कराया है यहाँ पे, और ये पूरा कमरा दिया है, और पूरा घर बोले यूज़ कीजिए, और मेरे लिए
इन भाई साहब ने आज छुट्टी ली अपने काम से, लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे सब बंद पड़े हैं और जल्दी ही पूरा पोलैंड बंद होने वाला है। और मैं यहाँ से जाने वाला था एस्टोनिया, और फिर एस्टोनिया से एक दिन की बोट ट्रिप थी हेलसिंकी और वापस एस्टोनिया, और फिर वापस नीचे बाल्टिक कंट्रीज़ में लिथुएनिया, लेटविया, और फिर लेटविया से यूक्रेन जाना था मुझे। एक्चुअली लेटविया से वापस मुझे यहाँ पे आना पड़ता और फिर यूक्रेन जाना था, बिकॉज लेटविया से अगर मैं यूक्रेन जाता तो मुझे सेपरेट वीज़ा लेना पड़ता बेलारूस का, बिकॉज लैंड बॉर्डर आप क्रॉस नहीं कर सकते। बट अब प्रॉब्लम यह है कि वो कंट्रीज़ भी बंद है और ये भी जल्दी बंद होने वाली है। फ्लाइट्स बहुत एक्सपेंसिव है, ट्रेन भी नहीं मिल रही यहाँ से, सिर्फ बस का ऑप्शन है, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे बॉर्डर्स यूक्रेन ने क्लोज कर दिए हैं। तो आज मैं बस स्टॉप जाके पता करता हूँ कि बसेज ऑपरेटेड है कि नहीं है, अदरवाइज़ फिर वापस इंडिया जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ तो हालत बहुत ख़राब है, इट्स लाइक ए एमरजेंसी हियर इन पोलैंड। सो यूक्रेन अभी सेफ है, यूक्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, और शायद इसीलिए उन लोगों ने जो भी जितने भी बॉर्डर लग रहे हैं, बिकॉज पोलैंड से बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है यूक्रेन को, और वो सारे बॉर्डर्स क्लोज कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। लेट्स एंजॉय द ब्रेकफास्ट फर्स्ट। नाइस। If you want more, tell me. We have a lot of bread and cheese. Ah, yes, I want one more. Okay. Yeah. And it's very nice. Just think that for that money, what I can live here months, I live there week or 2 weeks. And it's really strange. Thank you. 3 years. बहुत बढ़िया। होममेड ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और पाशा भाई बैठ गए अपने मन के बतियाने, और फिर मैं निकल गया वॉर्सो सिटी की सैर करने, जो कि एकदम सुनसान पड़ा था। और इस समय हूँ मैं वॉर्सो के ओल्ड टाउन में, और यहाँ पे कुछ देखने लायक चीज़ें हैं और म्यूजियम्स वगैरह हैं। तो म्यूज़ियम्स वगैरह तो ऑलरेडी सारे क्लोज है, और कोई आदमी, कोई टूरिस्ट वगैरह कोई भी नहीं है। एक्चुअली जो लोग मुझे होस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जोवाना और पाउलो, उन्होंने कहा केयरफुल रहिएगा, बिकॉज़ 2 दिन पहले कोई स्पेनिश बंदा उनके वहाँ रुका था, और वो घूमने आया था सिटी, और लोग चिल्लाने लग गए थे, और उसे पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया है अभी। तो बोले आप केयरफुल रहिए, अगर ऐसा कुछ भी हो तो वहाँ से निकलने का प्रयास कीजिए और वापस आ जाइए। तो मुझे नहीं लग रहा ये वॉर्सो बिल्कुल सेफ है अभी, बिकॉज़ सारे लोग घरों में बंद है, म्यूजियम्स वगैरह बंद है, स्कूल्स वगैरह बंद है, और लोग ही नहीं है भाई यहाँ पे, कोई लोग ही नहीं है। देखिए आप, तो घूमने का कोई मतलब ही नहीं है अगर सारी चीज़ें बंद ही है तो। लेकिन फिर भी अपन थोड़े टहल लेते हैं, और यूक्रेन वाला भी पता किया कि कहीं बॉर्डर तो क्लोज नहीं है, तो काफ़ी बॉर्डर्स क्लोज है। और जो बस कंपनियां बस चला रही है उनसे पूछा तो बोले अभी तो चल रही है बस, तो देखते हैं कब की बस पकड़नी है, कौन सी पकड़नी है। और पाउलो है एक्चुअली, वो यूक्रेन से है, तो वो बोल रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लेके ही चलिए, क्योंकि यूक्रेन बॉर्डर पर आपको बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो इस समय बहुत स्ट्रिक्ट है, ऑलवेज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और इस समय तो बहुत ही ज़्यादा। सो मैंने बस चेक की तो 10-12 घंटे से लेके 20 घंटे तक की बसें हैं, तो उन्होंने बोला आप जितने भी बसें हैं डबल लेके चलिए टाइम। तो देखते हैं क्या होता है अभी आगे। तो मैं अभी हूँ जोआना के किचन में। एक्चुअली इनका नेम है जो कि पेट नेम है, और वो है आशा, जो कि इंडियन नेम है, और इनके हस्बैंड है पाउलो, और उनका निक नेम है पाशा। सो आशा और पाशा दोनों इंडियन नेम है, और ये अभी मेरे लिए कुछ वेजिटेरियन बना रही है। व्हाट आर यू मेकिंग फॉर, व्हाट आर यू कुकिंग नाउ, व्हाट इज कॉल्ड पोंचकी, ओके, ऐसा करके कुछ बना रही है। इन्हें भी नहीं पता है, बस फ़ोन में देख देख के बना रही है। पहला मिशन तो अनसक्सेसफुल रहा है,
I said first attempt was wrong. तो अभी It's my first time. Uh-huh. That's why you need to look on the internet all the time and you have to check it. Yeah. I think you need to cook more. Yeah. Give them but time. It's too big. So it's not a good idea to check everything. No, but I make this smaller. Okay. You're making smaller and yep. It would be good then. Yeah. It can be cooked easily. So ये माहौल है. आशा पोलैंड से यहीं से वार्सो से और इनके हस्बैंड पाशा भाई पाउलो यूक्रेनियन है और इनका बड़ा सा घर है सिटी से थोड़ा सा बाहर और 3 बिल्लियाँ 2 कुत्ते और 2 ए जनाब और आशा जी के मदर फादर भी इन्हीं के साथ रहते हैं बड़े अच्छे हैं लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं लेकिन बड़े प्यारे हैं और पूरा दिन मैं आज इनके घर पर ही था सब बाहर थे और क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही थी और बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं था और थैंक यू इनको बहुत ही ज़्यादा कि इन लोगों ने एटलीस्ट इस सिचुएशन में मुझे यहाँ पे स्टे करने के लिए मतलब कहा है और खाने बना रहे हैं मेरे लिए क्या बात है और चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ बस खुले हाथों से जो भी चाहिए आप ले सकते हैं तो काउच सर्फिंग का ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है और बड़ा ही ज़बरदस्त जा रहा है और इनके हस्बैंड है पाशा भाई पाउलो वो तो बड़े ज़बरदस्त इंसान है बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं बहुत बातें हुई उनसे बहुत ज़्यादा और अभी तो वो बाहर गए हैं किसी काम से और ये मोहतरमा आशा जी आई है खाना बनाने के लिए और फिर से ये किसी काम से इन्हें जाना होगा अभी इनके फादर और मदर यहीं पे हैं तो अभी कुछ खाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है सो पोलैंड में खाए जा रहे गुलगुले एक्चुअली ये पोलिश डिश है व्हाट इज द नेम ऑफ इट पॉन्स्की बट इसका टेस्ट और दिखने में और कुकिंग का तरीका बिल्कुल हमारे राजस्थान में होते हैं गुलगुले जो कि स्पेशल ओकेजन्स में हम बनाते हैं मीठे के रूप में सेम वही है प्रोसेस भी वही है बस इसमें चीनी ये ऊपर से मिक्स करते हैं हम लोग डो के अंदर ही डालते हैं मेरे लिए तो ये गुलगुला ही है भाई थैंक यू आशा सो डेफिनेटली एक बुरी खबर मिली है कि यूक्रेन और पोलैंड अपने सारे बॉर्डर्स क्लोज करने वाला और पाशा भाई ने ये बताया कि बिकॉज ये यूक्रेन से और उन्होंने बताया आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलिए और अभी रात के 1 बजे मेरी बस है यूक्रेन के लिए लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ बॉर्डर क्रॉस कर पाऊँगा कि नहीं और इतने अच्छे लोग हैं कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं आई सेड योर हार्ट इज मोर बिगर देन द हाउस So I invite you to come India anytime. Yep. Seriously? I'm there for you. Thank you. Yeah. Really fine. Thank you very much. I appreciate it. Really. Yep. Come to India, Asha and Pasha. Okay. Please. Okay. And thanks for the hospitality. I will never forget in my life. And actually, I want to live here more, but you know, the things are not with us, and I'm very sad from inside. Because I got you 2 gold coins in my pocket. और इस भयानक हंसी के बाद समय हो गया था काउच सर्फिंग से मुझे मिले आज तक के सबसे बढ़िया होस्ट आशा और पाशा को अलविदा कह के यूक्रेन के सफर पे निकल जाने का जो कि आप आगे आने वाली वीडियोस में देखोगे